लोकसभा में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग के बीच ओम बिरला के बड़े भाई राजेश बिरला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ओम बिरला अब देश की वो शख्सियत बन गए हैं जो दूसरी बार स्पीकर बन रहे हैं। इसके साथ साथ बिरला का जो परिवार है वो करीब 50 साल से कोटा में सोशल वर्किंग में जुड़ा हुआ है। इससे भी ज़्यादा वक्त की हम बात करें तो उनके पिताजी के वक्त से ही लगातार ये परिवार जो है सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहा है। लंबा बड़ा परिवार है और पूरा परिवार जो है एक साथ तमाम चीज़ें जो है कई सारे सामाजिक कार्यों में पूरी तन्मयता के साथ जुटा रहता है। छात्र राजनीति से ही ओम बिरला का जो है राजनीति में इंटरेस्ट था और उनके जो बड़े भाई हैं राजेश बिरला वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये खुद भी जो है पॉलिटिक्स में थे लेकिन जब इन्होंने देखा कि छोटे भाई को राजनीति में इंटरेस्ट है तो इन सब ने मिलकर जो है अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाया और आज ओम बिरला जो है छात्र राजनीति से और देश की सर्वोच्च पद संसद में लोकसभा स्पीकर के पद तक पहुँचे हैं। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV में। आपसे जानना चाहेंगे बिरला जी के बारे में। कोटा शहर के संसदीय क्षेत्र के सब खुश हो रहे हैं कि भाई ओम बिरला हमारा सभापति बना और कोटा शहर और संसदीय क्षेत्र का तो विकास होगा सी और राजस्थान का भी विकास होगा क्योंकि देश में जो आपने कहा कि जिस तरह से बिल पास हुए मुझे उम्मीद है कि वो सबको साथ में लेके चलता है, इसलिए आराम से शांति से सारे काम होते हैं और अभी मैं विश्वास करता हूँ कि सबको साथ लेके काम करने की क्षमता रहेगी और काम करेगा। तो राजेश बिरला कभी सलाह भी देते हैं ओम बिरला को अगर कोई आपको लगता है कि छोटे भाई को सलाह की ज़रूरत है? पहले मैं सलाह देता था लेकिन अब खुद इतना सक्षम हो गया कि अब सलाह की उसको आवश्यकता नहीं होती। फिर भी कभी ऐसा लगता है कि कुछ मुझे कहना है तो मैं कहता हूँ और बताता हूँ कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए। मैं ज़रूर मतलब कभी कभी कह देता हूँ लेकिन अब बहुत सक्षम है क्योंकि लाखों आदमियों से रोजाना मिलना जुलना इतना उसको मिलता है और प्यार में सब कुछ रहता है, काम करने की क्षमता होती है, प्रशासनिक क्षमता जो है तो भाई ओम बिरला में शुरू से थी और आज भी और रहेगी मैं मान के चलता हूँ। कोटा में खुशी का माहौल है, हाड़ोती ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बन गए हैं। राजेश बिरला उनके भाई बड़े भाई जरूर हैं, इसके साथ साथ उनके राजनीतिक गुरु भी हैं और आज भी अगर ओम बिरला को कोई सलाह देनी होती है तो राजेश बिरला बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं। परिवार सालों से सामाजिक कार्यों में जुटा हुआ है और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि ओम बिरला जब लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे तो कई ऐतिहासिक निर्णय होंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली NDTV।